दोस्तों, ये कहानी एक साइको लवर की है जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसे कैद करके रख लेता है। क्या वो लड़की लास्ट में उसके चंगुल से छूट पाती है या नहीं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है और हम सिड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि बिल्कुल अकेले रहता है। उसकी फैमिली में उसके साथ कोई नहीं है। सिड एक एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता है जहाँ पर जानवरों को बचाया जाता है, उनकी सेफ्टी के लिए रखा जाता है। उसके बाद दोस्तों, सिड का कोई अपना नहीं होता है तो वो पूरा दिन जानवरों के साथ ही बिताता है, इसलिए उसे जानवर से काफ़ी प्यार हो जाता है। वो सारी बातें जानवर से करता है। वो ना तो दोस्तों सोशल मीडिया पर होता है, ना ही कोई इंस्टाग्राम पर, ना ही फेसबुक पर। तो ऐसी उसकी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन उसे बस में एक लड़की दिखती है। सिड उसके पास जाता है और उसे हाय कहता है, लेकिन वो लड़की सिड को बिल्कुल भी नहीं पहचानती है। सिड उसका नाम हॉली लेकर उसे बुलाता है और बताता है कि हम दोनों एक साथ हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। लेकिन हॉली को ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी याद नहीं होती है। वो उसे पहचानने से बिल्कुल इनकार कर देती है। उसके बाद सिड उसके हाथ में एक डायरी देखता है और सिड उसके बारे में पूछता है, तो हॉली बताती है कि वो ये डायरी डेली लिखती है, एक तरह का जर्नल होता है। वो डेली जो भी अपना काम करती है, जो भी उसका पूरा दिन में होता है, वो उस डायरी में लिखती है। पर हम देखते हैं कि सिड को हॉली कहीं ना कहीं पसंद आने लगी थी, तो वो उसे कॉफ़ी के लिए पूछता है। लेकिन हॉली बोलती है कि वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है, उसे वहाँ जाना है और उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है, तो वो उसके साथ कॉफ़ी पर नहीं जा सकती है। और कुछ ही देर में हॉली का स्टॉप आ जाता है वो उसको, और हम देखते हैं कि हॉली सिड की बातों का बिना जवाब दिए वहाँ से निकल जाती है। इसकी वजह से सिड बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और जब घर पहुँचता है तो सोशल नेटवर्किंग साइट पर उसके बारे में सर्च करता है और उसे हॉली की प्रोफाइल मिल भी जाती है। वहाँ पर जो उसका रिलेशनशिप लिखा होता है, वो लिखा होता है सिंगल, और ये देखकर उसे काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि उसने बताया था कि उसका एक बॉयफ्रेंड था। वेल दोस्तों, नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ऑफिस जाता है तो अपने कलीग या फिर मैं बात करूँ सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि वो एक लड़की को कैसे इंप्रेस कर सकता है। पहले तो उसका सिक्योरिटी गार्ड उस पर हंसता है, फिर वो बताता है कि तुम्हें कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा क्योंकि लड़कियों को कॉन्फिडेंट बंदे ज़्यादा पसंद है। उसके बाद सिड के पास एक नर्स आती है और उसे बोलती है कि लेक्सी नाम का एक जर्मन शेफर्ड डॉग है जो कि बहुत दिनों से बीमार है, वो लेकर उसके पास आए। तो दोस्तों, ये डॉग बहुत दिनों से बीमार होता है, इसलिए सिड उससे काफ़ी लगाव होता है। वो डॉग को डॉक्टर के पास ले जाता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर एक जहरीले इंजेक्शन से उसे मारने वाला होता है क्योंकि वो डॉग बहुत दिनों से बीमार था, इसलिए एनिमल कंट्रोल का जो खर्चा था वो बढ़ता जा रहा था। अब वो उसको रखना नहीं चाहते थे। अब डॉक्टर सिड को बोलता है कि अगर वो चाहे तो इस डॉग को रख सकता है अपने साथ, लेकिन सिड सोचता है कि वो खुद ही अकेले रहता है तो इस डॉग की देखभाल कैसे करेगा। उसके बाद वो डॉक्टर उस डॉग को इंजेक्शन लगाकर मार देता है और सिड उसकी बॉडी को ले जाकर वहीं जला देता है। और उसके बाद सिड की नज़र एक डोर पर पड़ती है जो कि बेसमेंट का डोर होता है। जब वो डोर खोलता है और बेसमेंट के अंदर जाता है तो वहाँ पे उसे एक सीक्रेट डोर मिलता है। दोस्तों, ये रूम देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि इससे पहले इसके बारे में किसी को पता नहीं था। अब उसके बाद सिड घर आता है और हॉली के बारे में और भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चालू कर देता है। वो उसकी सारी फ़ोटोज़ देखता है और हॉली के रेस्टोरेंट के बारे में भी पता कर लेता है कि वो कहाँ पर है। वो एक डायरी में हॉली की पसंद नापसंद, उसके लाइक और उसके डिसलाइक, जो भी वो उसको पसंद करती है, वो सारी चीज़ें लिख लेता है ताकि वो हॉली को इम्प्रेस कर सके और उससे अपनी गर्लफ्रेंड बना सके। अब अगले दिन वो पूरी तरह से तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुंच जाता है उसे मिलने के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उसका फिर से दोबारा से दिल टूट जाता है। हॉली उसे फिर से पहचानने से इनकार कर देती है, वो उसका नाम जानने में भी इंटरेस्टेड नहीं होती है। यहाँ पर सिड उसे प्यार करता था तो वो उसे एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट पर चलने के लिए बोलता है अब, और हॉली उसे मना कर देती है और उसके बाद उस पर काफ़ी नाराज़ हो जाती है, वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हॉली घर जा रही है अपने ऑफिस से और उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और ये कोई और नहीं होता दोस्तों, ये सिड होता है जो कि उसका पीछा कर रहा था लगातार। हॉली घर पहुंचती है और अपनी फ्रेंड को सिड के बारे में बताती है, तभी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है और उसका बॉयफ्रेंड नशे की हालत में होता है तो वो उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिससे कि हॉली काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कॉल कट कर देती है। अगले दिन जब हॉली रेस्टोरेंट पहुंचती है तो उसे बहुत सारे फूल मिलते हैं। पहले तो वो सोचती है कि यह सारे फूल उसके बॉयफ्रेंड एरिक ने उसे भिजवाए हैं जो कल बात हुई थी उसकी माफ़ी मांगने के लिए। लेकिन जब रात में वो एरिक से मिलती है तो एरिक उसे बताता है कि उसने कोई फूल उसे नहीं भिजवाया, तो वो समझ जाती है कि सारा काम सिड का है। और दोस्तों, हम यहाँ पे सिड को देखते हैं। सिड यहाँ भी हॉली का पीछा करते हुए पहुँच जाता है। सिड हॉली को एक बार फिर से डेट पर चलने के लिए बोलता है और बोलता है कि उसने ही वो फूल उसके ऑफिस में भिजवाए थे, और इस बात से हॉली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उसे वहीं मारना चालू कर देती है। और अब उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो भी सिड को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। दोस्तों, सिड जख्मी हो जाता है, लेकिन इसी बीच उसको हॉली की डायरी मिल जाती है जिसमें वो जर्नल लिखा करती थी, और वो उसे अपने घर ले जाता है, उस डायरी को पढ़ना चालू कर देता है। उसमें हॉली की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसे मिलती है और उसमें हॉली का एक सीक्रेट भी उसे पता चलता है, और हम ये सीक्रेट मूवी का आगे पता चलेगा कि ये सीक्रेट क्या है। उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो ऑफिस जाता है। बेसमेंट में जो सीक्रेट रूम होता है दोस्तों, उसके लिए वो एक केज यानी कि एक पिंजरा बनाना चालू कर देता है, और उसके बाद ऑफिस से जानवरों को पैरालाइज करने वाला इंजेक्शन चुरा लेता है जिससे कि वो किसी और को पैरालाइज कर सके। तो पहले वो टेस्ट करने के लिए खुद को इंजेक्शन लगाता है और वो देखता है कि उसकी बॉडी थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी है।
और अब वो निकल जाता है हॉली को पकड़ने के लिए। वो देखता है कि हॉली अपने घर में अकेले है, इसी का फ़ायदा उठाकर वो इंजेक्शन उसे लगा देता है और उसे एक बॉक्स में बंद करके एनिमल कंट्रोल सेंटर में ले आता है। अब सिक्योरिटी गार्ड जो नेड होता है उसकी नज़र उस बॉक्स में पड़ती है, लेकिन जो सीड होता है वो अपनी बातों से उसमें उलझा लेता है उसे और वो बेसमेंट में ले जाता है वो बॉक्स को और वहीं छोड़ देता है। जब हॉली की आँख खुलती है दोस्तों तो वो अपने आप को पिंजरे में पाती है जो कि सीड ने बनाया था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है लेकिन यहाँ बहुत सारे जानवर होते हैं इसलिए उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाता है और वो बेसमेंट में भी होती है। तो वो अपने नाखून से पिंजरे को खोलने की कोशिश करती है जिससे कि उसके नाखून टूट जाते हैं और अब सीड उसके पास आता है और टॉयलेट करने के लिए उसे एक पॉट और एक खाने को लेकर आता है उसके पास। उसके बाद सीड उसे अपना नाम याद दिलाता है जो कि उसने कभी जानने की कोशिश नहीं करी थी। वो बताता है कि मेरा नाम सीड है और वो वहाँ से चला जाता है। अब हॉली दोस्तों 2 दिन तक यहाँ पिंजरे में बंद रहती है, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। जब 3रे दिन सीड वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि हॉली बहुत ही बुरी हालत में है, उसे पानी पिलाता है और वहीं खाना रख देता है। उसके बाद वो जाने लगता है लेकिन हॉली उसे रोकने की कोशिश करती है बट वो नहीं रुकता है। अब हॉली इस बेसमेंट में अकेली थी और यहाँ उसे हेलुसिनेशन होना चालू हो जाते हैं। वो अलग अलग चीज़ को इमेजिन करना चालू कर देती है, अपनी फ्रेंड को यहाँ देखने लगती है दोस्तों। वो अपनी फ्रेंड को यहाँ देखने लगती है जो कि रियलिटी में यहाँ पर होती नहीं है। तो एक तरह से उसका जो दिमागी संतुलन है वो धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा है और अब वो सीट का जो टॉयलेट था वो भी यूज़ कर लेती है। एक्चुअल में वो टॉयलेट कभी यूज़ नहीं करना चाहती थी क्योंकि बहुत ही छोटा वो टॉयलेट था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो टॉयलेट यूज़ कर लेती है। अब उसके पैरों के पास एक चूहा आता है, पहले तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है लेकिन बाद में उसे कुचल कर वहीं मार देती है और हमें पता चलता है कि अब हॉली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, वो अपना दिमागी संतुलन खोने लगी है। और जब सीट अगले दिन उसे मिलने आता है तो वो पूछती है कि क्या वो उसे मार देगा। सीट बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता लेकिन टाइम आने पर मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। सीट बोलता है कि मुझे तुम्हें पहली नज़र में प्यार हो गया था और अब वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन नेड उससे बेसमेंट से निकलते हुए फिर से देख लेता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। सीट उसे बहाने बनाकर वहाँ से निकल जाता है और अगले दिन जब सीट फिर से हॉली से मिलने आता है तो उसके साथ उसकी डायरी भी लेकर आता है जिसमें उसके सारे सीक्रेट लिखे हुए थे। सीट उसे उसकी फ्रेंड के बारे में पूछता है, हॉली बोलती है कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता है और सीट बोलता है कि मैंने तुम्हें उसे बात करते हुए देखा है, झूठ मत बोलो। वो पूछता है कि क्या तुम्हारी फ्रेंड अभी भी यहीं पर है। हॉली बोलती है नहीं, लेकिन अगले पल ही वो अपनी फ्रेंड को सीट के पीछे देखती है और यहाँ सीट उसे एक राज खोलता है कि वो मेंटली पूरी तरह से बीमार हो चुकी है। वो बस अपनी फ्रेंड को यहाँ पर इमेजिन कर रही है, एक तरह से हेलुसिनेशन कर रही है। उसकी फ्रेंड यहाँ पर रियलिटी में कभी एग्जिस्ट करती नहीं दोस्तों। और अब सीट उसकी डायरी के सारे सीक्रेट खोलना चालू कर देता है। वो बताता है कि हॉली और एरिक की कुछ टाइम पहले इंगेजमेंट हुई थी, लेकिन एक दिन हॉली ने एरिक के फ़ोन से उसके अफेयर के बारे में पता चल गया और उसके बॉयफ्रेंड का अफेयर किसी और के साथ नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ था जिसका नाम क्लियर था। तो एक दिन हॉली अपनी बेस्ट फ्रेंड क्लियर के साथ कार में होती है और वो जानबूझकर कार तेज़ चलाना चालू कर देती है जिससे कि उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन हॉली को इसमें कुछ नहीं होता है, ज़्यादा उसे चोट नहीं लगती और क्लियर बहुत ही बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाती है। और अगले पल ही हॉली एक कांच लेकर उसकी आँख में घुसा देती है जिससे कि क्लियर की वहीं पर मौत हो जाती है। जब हॉली ये कहानी सुनती है तो वो बताती है कि वो एक राइटर है और ये सारी कहानियाँ एक फिक्शनल स्टोरी है। एक सिर बोलता है, हाँ पहले भी मुझे यही लगता था कि ये सारी कहानी बनावटी है, लेकिन मैं पुलिस स्टेशन गया और मुझे क्लियर की मरने की वजह पता चल गई जैसे कि तुमने इस डायरी में लिखा है। और ये उसके बाद वो ये भी बताता है कि मैं तुम्हारी कई दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, तुम्हारी डायरी में लिखा है कि तुमने कई लोगों को मारा है, कई लोगों को तुमने ज़िंदा जला दिया है और एक आदमी को तुमने गला दबा कर मार दिया है। तो अब यहाँ पे हमें सच्चाई पता चलती है हॉली की कि वो एक साइको किलर है दोस्तों, वो कोई शरीफ लड़की नहीं है। सिर उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए कैद करके रखा है ताकि किसी और की जान ना जा सके और तुम पुलिस से भी बची रहो। अगले दिन जब सिर उसे मिलने के लिए आता है तो हॉली के बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस होना चालू हो जाते हैं क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसकी सच्चाई सिर को पता चल चुकी है। सिर उसे उन मर्डर के बारे में पूछता है तो हॉली उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और अपना सिर ज़ोर ज़ोर से केज में मारने लगती है जैसे कि उसके सिर से खून निकलने लगता है। हम देखते हैं कि हॉली ने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया होता है इसलिए वो कुछ उसे खाने के लिए मांगती है, लेकिन सिट पहले उसे मना कर देता है। अब हॉली उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है, उसे बोलती है कि शायद अब वो भी उससे प्यार करने लगी है जिससे कि सीड उसकी बातों में आ जाता है और उसके लिए खाना लेने के लिए बाहर जाता है। लेकिन जब वो बाहर जा रहा होता है बेसमेंट से तो उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड नेड उसे देख लेता है और उसके जाने के बाद वो जब बेसमेंट में जाता है तो वहाँ पर दोस्तों वो हॉली को पिंजरे में देख लेता है। हॉली उससे मदद मांगती है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर, उसे बोलती है कि ये ताला तोड़ दो। ताला तोड़ने के लिए उसे कहती है लेकिन दोस्तों ये ताला बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है जिसकी वजह से वो उसे तोड़ नहीं पाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि सीट भी यहाँ पर आ चुका है और वो नेड को देख लेता है।
थॉली उसे इशारा करती है कि नेट को मार दो। वो उसे सर में एक रॉड से मारता है जिससे कि वो बहुत ही बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाता है, लेकिन वो अभी भी ज़िंदा होता है। अब उसके बाद थॉली उसे बोलती है कि पास में पड़े एक ब्लॉक से उसके सर को कुचल दो जिससे कि उसकी मौत हो जाए। दोबारा सिड उसकी बातों में आ जाता है, उसका सर वो कुचल देता है जिसकी वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब सिड भी एक मर्डर बन चुका है दोस्तों थॉली की तरह। थॉली अब उसे लाश को ठिकाने लगाने के लिए बोलती है, वो उसे गाइड करती है लाश को कैसे काटना है। पहले तो वो उसके दांत निकालता है, उसके बाद उसके नाखून निकालता है जिससे कि किसी को पता ना चल सके कि ये बॉडी उस गार्ड की है। अब वो एक आरी से उसकी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और दो दिन तक वहाँ पर कुत्तों को खिलाता है। दो दिन बाद जब गार्ड की कोई खबर नहीं होती है तो पुलिस उसकी तलाश के लिए सिड के पास आती है और उसे पूछताछ सवाल जवाब करना शुरू कर देती है। उनका शक सिड पर चला जाता है। अब वो सिड से बोलते हैं कि उनकी नज़र अब सिड पर रहेगी। इस बात से सिड काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अब वो थॉली से मिलने के लिए दोबारा जाता है। थॉली फिर से उसे सेड्यूस करने लगती है, उसे अपनी प्यारी बातों में फंसाने लगती है। वो बोलती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अगर ऐसा होता तो तुम मुझे यहाँ कैद करके नहीं रखते। सिड बोलता है नहीं, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। और इस बात पर थॉली उसे सबूत मांगती है। वो बोलती है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे अपनी एक उंगली काट कर दो। उसके बाद सिड बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है ये बात सुनकर। पहले तो वो मना कर देता है थॉली से, लेकिन बाद में थॉली उसे बोलती है कि तुम बस दिखावा करते हो, तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करते। सिड उसकी बातों में आ जाता है और अपनी एक उंगली काट कर उसे दे देता है। और इसी बीच दोस्तों थॉली उसका चाकू ले लेती है और बोलती है कि अगर उसने पिंजरा नहीं खोला तो वो अपना गला काट लेगी। उसके बाद मजबूरी में सिड को केज खोलना पड़ता है और वो बाहर आते ही वो सिड को पहले किस करती है और उसके चाकू से उसका गला काट देती है। अब वो यहाँ से निकल जाती है और कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि थॉली की जो बुक थी वो पब्लिश हो चुकी है और वो फिर से देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उस पर चीट कर रहा है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलती है। और वो अब एक सुनसान रास्ते पर निकल जाती है, एक सुनसान जगह पर निकल जाती है जहाँ पर वैसा ही केज होता है जैसे कि हमने पहले देखा था। और इस केज में एक आदमी बंद होता है, ये बहुत ही अजीब सा आदमी होता है दोस्तों, ये पूरी तरह से जॉम्बी लग रहा था। और इसकी जब हम एक उंगली देखते हैं तो वो कटी हुई होती है, तो यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि सिड होता है जिसको कि यहाँ पर थॉली ने कैद करके रखा हुआ है। और यही मूवी ख़त्म हो जाती है। सो गाइज, हम मूवी में जिससे विक्टिम सोच रहे थे वो एक्चुअल में एक मर्डरर थी। आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।